I'm gold medalist from INGLU and MBCA, PGDCA, MBA and BA. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ट्रिपल सी के एग्ज़ाम्स अभी हो चुके हैं और अभी मार्च अप्रैल हर मंथ आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम्स होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ट्रिपल सी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप ट्रिपल सी में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है उसके लिए रिक्वायरमेंट है ट्रिपल सी की, तो फ्रेंड्स ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं डेली एग्जामिनेशन के लिए आपको सीरीज डाल रही हूँ एग्जामिनेशन से रिलेटेड। यदि आप फुल कोर्स चाहते हो ट्रिपल सी का, जो कि 3 मंथ्स का है, वो मैं आपका 11 डेज में कंप्लीट कराऊंगी यूट्यूब पर। वो मेरा यूट्यूब चैनल जा करके आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल है पल्स वर्चुअल अकेडमी, वहाँ जा करके आप उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको जल्द से जल्द ट्रिपल सी की क्लासेस प्रोवाइड कर सकूँ फ्रेंड्स। ओके, और फ्रेंड्स, अगर आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड एडिशनल 5 डेज की आपकी क्लासेस और रहेंगी, जिसमें आपकी सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड रहेगा वो, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। वो आपकी 5 दिन तक चलेगी फ्रेंड्स, वो भी आपकी यूट्यूब चैनल पर चलेगी फ्रेंड्स। वही मेरा यूट्यूब चैनल जो है पल्स वर्चुअल अकेडमी, वहाँ जा करके आप उसे देख सकते हो। बाकी इसका नोटिफिकेशन मैं अपने फेसबुक पेज ट्रिपल सी एग्जाम क्रैकर पर पोस्ट कर दूंगी, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो आप बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आपको जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए, लेकिन हाँ, ट्रिपल सी एग्जाम क्रैकर जो मेरा फेसबुक पेज है उस पर मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दे दूंगी कि कब मैं 11 डेज की क्लासेस आपके स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर जा करके आप उसे सब्सक्राइब कर पाओगे और उस क्लास को ले पाओगे। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। आज का जो पार्ट है वो है आपका 41 है। तो उसमें फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस वीडियो पर नए हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपको डेली 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 5 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आपके थोड़े कम आ रहे हैं, इससे आपको जो है कम मैं आपको बताती हूँ ट्रू और फॉल्स, और बाकी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज बोथ एन इनपुट एज वेल एज आउटपुट, यानी कि निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। तो मॉडेम, मॉडेम आपका जो है इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। और वैसे भी फ्रेंड्स, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से अपने आप लगा सकते हो। प्रिंटर आपकी एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आपकी एक आउटपुट डिवाइस है, और मॉनिटर भी आपकी आउटपुट डिवाइस है खाली, लेकिन आपका जो मॉडेम है वो आपका इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस हैं। सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीआर, यानी कि यूटीआर का फुल फॉर्म क्या है, यूटीआर का अर्थ क्या है। सारे क्वेश्चन एक ही हैं फ्रेंड्स। एब्रिविएशन से रिलेटेड भी मैं वीडियो यूट्यूब पर ही डालूंगी, तो फ्रेंड्स वहां जाकर के आप उसको देख पाओगे और अच्छी अच्छी ट्रिक्स ले पाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसका यूटीआर का फुल फॉर्म क्या है, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस, ये इसका क्या है सही आंसर है, ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, अंडर व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस अ यूटीआर नंबर इज जनरेटेड, यानी कि किसी प्रकार किस प्रकार के ट्रांजेक्शन में यूटीआर नंबर जनरेट होता है। तो आरटीजीएस और आपका नेफ्ट दोनों में ही आपके क्या होता है, यूटीआर नंबर जनरेट होता है। इसका आंसर वो तो ए एंड बी दोनों होगा। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड ट्रिक जो भी रहेंगी वो आपकी 11 डेज के बाद जो 5 डेज की एडिशनल क्लासेस होंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिससे आप 90% से ऊपर मार्क्स ट्रिपल सी एग्जामिनेशन में ला सकते हो फ्रेंड्स। ओके, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसे आज ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको वो 11 डेज की क्लासेस जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सकूँ। तो सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड विद नेट बैंकिंग, यानी कि निम्न में से कौन सा नेट बैंकिंग से संबंधित नहीं है। तो आपका डिमांड ड्राफ्ट नेट बैंकिंग से संबंधित नहीं है, ठीक। तो ये आपका क्या है, नेट बैंकिंग क्या करता है, आपको आपको मनी ट्रांसफर करने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफर करने के लिए आपको नेट बैंकिंग प्रोवाइड की जाती है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट एक आपका एक ऐसा ड्राफ्ट होता है जो आपको फिजिकल चेक जैसा होता है, उसी प्रकार का होता है, हार्ड कॉपी में मिलता है।
तो फ्रेंड्स मतलब आप बनवा सकते हो, बाकी आपकी जो दोनों नेफ्ट और आरटीजीएस है वो डिजिटल मनी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। तो उसमें आपको जो है वो नेट बैंकिंग के अंदर मिलता है और डिमांड ड्राफ्ट आपको बैंक से हार्ड कॉपी में मिलता है। तो फ्रेंड्स ये भी आप एलिमिनेशन मेथड से बहुत अच्छे से निकाल सकते थे। तो सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच इज द शॉर्टकट की फॉर जंपिंग टू द लास्ट एडिटेड स्लाइड, यानी कि जो आपने लास्ट में एडिट की है स्लाइड उसको उस पर जंप करने के लिए, यानी कि तुरंत उस पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस 5। जब आप ऑल्ट के साथ शिफ्ट और प्लस F5 दबाएंगे तो आप उस स्लाइड पर पहुंच जाओगे जो आपने लास्ट में एडिट की थी। तो ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हु कन्वर्ट्स एंड एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, यानी कि इसमें आपका एक ही समय में एक कथन को कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करता है, वो कौन करता है। तो फ्रेंड्स ये आपका इंटरप्रेटर करता है। फ्रेंड्स इसमें आपका सी इसमें गलत लिखा हुआ है, इंटरप्रेटर इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स तो इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर ये गलत है। मैं आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर दूंगी। फ्रेंड्स तो ये आपका लाइन बाय लाइन जो कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है वो आपका इंटरप्रेटर होता है। फ्रेंड्स डी इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, डी इसका सही आंसर होगा, इंटरप्रेटर। ओके फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फॉर व्हाट पर्पस डॉट नेट डोमेन इज यूज्ड, यानी कि जो डॉट आपने बहुत से डोमेन नेम देखे होंगे डॉट कॉम डॉट को डॉट इन डॉट यूके डॉट आईएन, तो आपने एक ऐसा ही डोमेन नेम देखा होगा डॉट नेट, तो वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो नेटवर्क से संबंधित कंपनीज और सर्विस प्रोवाइडर्स जो है इस आपका डोमेन नेम का यूज करते हैं डॉट नेट। ओके फ्रेंड्स तो वैसे भी आप डॉट नेट है, नेट से नेटवर्क होता है, तो आप आराम से इसका अंदाजा भी लगा सकते हो कि नेटवर्क से संबंधित जितने भी कंपनीज और सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे वो आपका डॉट नेट का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 8th नंबर का क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MAPI, यानी कि MAPI का फुल फॉर्म क्या है। तो मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस इसका सही आपका आंसर है, तो सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ, विच सर्वर इज यूज्ड फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए कौन सा सर्वर यूज होता है। तो ऑब्वियसली चैट सर्वर यूज होता है, मैसेजिंग की बात हो रही है, यानी कि जब भी हम अपने एक्सप्रेशंस जो भी हम अपना बात कहना चाहते हैं वो हम चैट के थ्रू करेंगे, लिख लिख के करेंगे, तो वो मैसेजिंग की ही बात हो रही है, तो चैट सर्वर इसमें आता है। ओके फ्रेंड्स तो ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10th के कहता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ साटा। साटा एक केबल होती है जो आपके सीपीयू के अंदर पाई जाती है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो साटा का फुल फॉर्म क्या होता है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, इसका सही आंसर है, तो सी इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स ओके इससे रिलेटेड डिटेल्ड में क्लासेस हम यूट्यूब चैनल पर करेंगे। फ्रेंड्स बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे। फ्रेंड्स कोई भी डरने वाली बात नहीं है, आराम से आप 90% से ऊपर मार्क्स ला सकते हो। फ्रेंड्स अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड करोगे तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा, 90% से ऊपर आपके मार्क्स आएंगे आएंगे। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11th क्या कहता है, व्हाट इज रुपे डेबिट कार्ड, यानी कि जो रुपे डेबिट कार्ड है वो क्या है। ठीक तो ऑल ऑफ दीज है इसमें से, यानी कि सभी। फ्रेंड्स वैसे भी आपके ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज आ गया, तो आप मैंने आपको हमेशा बताया कि दो ऑप्शन आप क्वालिफाई करा के देख लीजिए, अगर दो ऑप्शन आपके यहाँ पर होते हैं तो आप आराम से ऑल ऑफ दीज लगा सकते हो। तो रुपे कार्ड का एक डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, बिल्कुल है, ये तो क्वालिफाई कर रहा है। सेकेंड नंबर का क्या, लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई ऑफ इंडिया, एनपीसीआई ने इसको लॉन्च किया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दो आंसर जब आपके क्वालिफाई कर रहे हैं तो डी इसका आप आंसर लगा सकते हो, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, विच इज द फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि इसमें से आपकी फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सी थी। तो लिस्प थी। ओके फ्रेंड्स लिस्ट प्रोसेसिंग जिसे हम कहते हैं।
ओके फ्रेंड्स, ये आपकी पहली एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपका किस में आता है, फिफ्थ जनरेशन में भी आता है, ही आता है। ओके फ्रेंड्स, आपको मैं पहले ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है कि एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी फर्स्ट, तो वो आप लिख दोगे लिस्ट पे, लेकिन वो एआई कहाँ यूज हुई थी, कौन से जनरेशन में, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, फिफ्थ जनरेशन में यूज हुई थी। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि निम्न उपकरणों में से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इनपुट ऑब्वियसली, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है, जैसे आपने गूगल असिस्टेंट आपने अपने मोबाइल में यूज किया होगा, तो वो आपका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, जो आप बेसिकली यूज करते होगे। अगर आप नहीं करते हो, तो आपका अगर एंड्रॉयड फोन है, तो उस पर गूगल असिस्टेंट पर जाइए, आप उसको बोल करके देखोगे, तो वो आपका मोबाइल ऑपरेट करता है बिना ऑपरेट किए, बिना आपके चलाए। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण है, जो आप बोलते हो वो कर देती है मशीन। ओके फ्रेंड्स, और आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल और बता सकती हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एलेक्सा के बारे में आपने सुना होगा, एलेक्सा क्या है, एक आपका छोटा सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक डिवाइस है, जिसमें आप जो भी गाना बजाना चाहते हो, तो वो आप मुंह से बोल करके उसको, आपने ऐड तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा देखा होगा, अमेजोन पर बिकता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एलेक्सा, जो भी आपकी डिवाइस है, जो भी आप बोलते हो, जो भी गाना आप सुनना चाहते हो, आप उसे बोल करके वो आपके लिए प्ले कर देती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये एलेक्सा भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो सी इसका सही आंसर होगा, इनपुट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से है, तो लो कॉस्ट लगती है और मोर सिक्योर्ड, दोनों ही है ए और बी, तो आप इन ये सभी यानी कि ऑल ऑफ दिस इसमें आंसर आराम से आप लगा सकते हो, तो डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, वेयर इज स्टार्ट आइकॉन प्लेस्ड ऑफ ऑन द डेस्कटॉप होगा, ऑन द डेस्कटॉप। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट आइकॉन डेस्कटॉप पर कहाँ रखा गया है, तो ये आपका कहाँ रखा गया है, टास्क बार में, आपने देखा ही होगा टास्क बार सबसे नीचे होता है, जहाँ पे आपको सबसे पहला जो मिलता है बटन, वो आपको कौन सा मिलता है, स्टार्ट आइकॉन मिलता है, तो बी इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके यहाँ पर फिनिश होते हैं, और आपका 5 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, और ओवरऑल 16th क्वेश्चन आपका ये रहा, वी कैन डिलीट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ई मेल्स एट अ टाइम, तो वो उसने बोला है कि आप अधिकतम संख्या की ई मेल को आप एक समय में डिलीट कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हो आप, सही है ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू क्रिएट मल्टी यूजर्स, यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर बनाने की सुविधा देता है, तो बिल्कुल देता है फ्रेंड्स, ये भी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, साइकोलॉजी प्रोवाइड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि मनोविज्ञान कृत्रिम बुद्धिमत्ता को प्रदान करता है, तो ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपका है, साइकोलॉजी यानी कि जो बुद्धिमत्ता है उसको प्रदान करता है, तो एकदम सही है। 19th क्वेश्चन क्या कहता है, प्रेजेंट क्लाउड कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सर्विस मॉडल, तो ये आपका क्या गलत है, क्लाउड आपका 4 टाइप का नहीं होता है, 3 टाइप्स का होता है, और इसका मॉडल मैं आपको डिटेल क्लासेस में मेरे यूट्यूब चैनल पल्स वर्चुअल अकेडमी पर बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स, अभी तो आप देख लीजिए कि जो क्लाउड कंसिस्ट होता है कितने कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का क्लाउड सर्विस मॉडल दिया गया है, तो ये आपका क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, मेन मेमोरी वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विथ स्पेशल जॉब कार्ड, यानी कि प्रमुख मेमोरी विशेष कार्य कार्ड के समन्वय से कार्य करती है, तो ये आपका क्या है, गलत है। मेन मेमोरी कैसे करती है, आपके सीपीयू के साथ वर्क करती है, कोऑर्डिनेशन बिठाती है। ओके फ्रेंड्स, मेन मेमोरी।
तो फ्रेंड्स इसमें भी आपको डरने की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, मैं अपनी डिटेल क्लासेस में आपको अच्छे से उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स ये आपको मेन मेमोरी और प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरीज में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप अपना CCC का एग्जाम विथ 90% या 90% से ऊपर मार्क्स पे कर पाओगे फ्रेंड्स। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरा फेसबुक पेज CCC एग्जाम क्रैकर है, उसे जाकर के आप लाइक कीजिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। और फ्रेंड्स जिनका भी अभी एग्जाम होने वाला है CCC का, या फिर आप CCC के एस्पिरेंट हो, तो आप भी मेरे CCC एग्जाम क्रैकर फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसे भी आप लाइक कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल है पल्स वर्चुअल एकेडमी, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इसका जो आपका लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, नहीं तो मैं आप कमेंट पर भी दे दूंगी। तो आज ही आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको वो 11 डेज यानी कि जो 3 मंथ्स का कोर्स है वो मैं आपको 11 डेज पर दे पाऊँ। ओके फ्रेंड्स, और बाकी 5 एडिशनल डेज आपके सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स के होंगे, तो आपके फ्रेंड्स 90% से ऊपर मार्क्स CCC में पक्के हो जाएंगे। तो आज ही जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पल्स वर्चुअल एकेडमी पर, उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। अगर आप भी CCC की एग्जाम है आपका मार्च या अप्रैल में, तो आपको भी बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी स्टडिंग। बाय बाय।